सूरत में 65 फूट ऊंचू रावण पुतला दहन कर 50 फूट ऊंचा कुंभकर्ण और मेघनाद पुतला दहन कर उत्तर भारत मोटा भाग शहरों में थता त्रण पुतला दहन की परंपरा हवे सूरत में आ वक्त सुरतीओ ने रावण दहन में अलग दृश्य जोवा मळशे। कारण के दर वक्त रावण पुतळु एक होय छे, परंतु आ वक्त रावण कुंभकर्ण और मेघना त्रण पुतला दहन कर ते माटे वेसु रामलीला मैदान खाते पूर्व तैयारी थई रही छे। खास मथुरा थी 12 जेटला मुस्लिम कारीगरों ने बोलावामां आव्या छे, जे वांस पेपर वगैरह मटीरियल थी पुतला तैयार करी रह्या छे। आदर्श रामलीला ट्रस्ट द्वारा छेल्ला 47 वर्षथी रामलीला अने रावण नु दहन करती आदर्श रामलीला ट्रस्ट द्वारा छेल्ला 47 वर्षथी रामलीला अने रावण दहन नु आयोजन करती आवी छे। दशहराना दिवसे रावणना पुतळानुं दहन करवामां आवशे। उल्लेखनीय छे के रावण दहन जोवा माटे सूरतना खूणे खूणेथी लोको रावण दहन जोवा माटे आवे छे। मेरा नाम मोहम्मद राशिद कुरैशी। हम यहां करीबन 15 लोगों की टीम है हमारी, जिसमें की 12 जेंट्स 3 लेडीज, और इसको हम रावण को उनको बुला के हमको बनाने का लक्ष्य ऑर्डर मिल पाया। इसमें रावण 65 फीट का है, और इसमें खासियत ये है कि इस बार 2 रावण और एक्स्ट्रा बने हैं, जिसमें एक मेघनाथ और कुंभकर्ण। इसमें हमारी 45 दिन की मेहनत है, और उसमें रात और दिन के सिस्टम काम चल रहा है। लास्ट शिफ्ट से हमने यहाँ पे हमारे दादा बनाते हैं 40-45 वर्ष से लगातार वही आते हैं कंटिन्यू। आपका नाम? मेरा नाम वसीम। कौन सी जगह पे क्या कामगिरी कर रहे हैं अभी? इसमें सूरत में बेशू में है हम लोग, रावण की तैयारी चल रही है। अब फाइनल स्टेज पे ही चल रहे हैं, मतलब कल में रावण खड़े कर दिए जाएंगे, परसों में फिर 12 तारीख को अग्नि कार्यक्रम दशहरा में मनाया जाएगा। इस बार 3 रावण के पुतले बनने जा रहे हैं, जिसमें एक रावण का जो पुतला होगा उसमें 65 फीट होगा, साइड में जो मेघनाथ कुंभकर्ण का है वो 40-40 फीट की हाइट होगी। 15 लोगों की टीम आती है यूपी से मथुरा से, हर वर्ष सूरत आते हैं। करीबन बाबूजी के टाइम से 40-45 साल से कंटिन्यू सूरत आ रहे हैं। इसमें कितने कारीगर मुस्लिम समाज के हैं? सभी मुस्लिम हैं, हिंदू भी हैं, अपनी टीम में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब। वो सब पॉलिटिक्स है उसको छोड़ के हम प्रेम से काम करते आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, कितने मेहनत कितने दिन से? अभी करीबन 1 महीने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज़, सूरत।